दोस्तों यूं तो हम सभी को ठंड का मौसम बहुत पसंद आता है, लेकिन कभी कभी ठंड इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को परेशानी होने लगती है, और कहीं कहीं तो ठंड इतनी ज्यादा होती है कि जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा ही एक शहर है जहां का मिनिमम टेम्परेचर -72 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों के दिन यहाँ का सामान्य टेम्परेचर -50 डिग्री होता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है यह कौन सा शहर है? शरीर की हड्डियाँ जमा देने वाला इस शहर का नाम ओमियाकोन है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं गर्म पानी को हवा में फेंका जाए तो वह बर्फ बन जाती है। ओमियाकोन को दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी माना जाता है। यहाँ पर ठंड कितनी होती है इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। यहाँ की ठंड का आलम यह है कि अगर यहाँ गाड़ी का इंजन एक बार बंद हो जाए तो दोबारा चालू नहीं होता, और उसे चालू करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी यह जगह टूरिस्ट को बहुत लुभाती है। यहाँ पर रहना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर घूमने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पानी की, क्योंकि यहाँ पानी बर्फ बन जाती है। यहाँ पाइपलाइन से आने वाला पानी जम जाता है, और तब लोग बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी का इंतजाम करते हैं। पानी जमने के वजह से लोग अपने घर के बाथरूम का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और मजबूरन उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और इस ठंड में जो कि बहुत मुश्किल काम है। यहाँ आने के लिए आपको कार का सफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस मौसम में कोई भी प्लेन नहीं आती है। शहर में कई जगह थर्मामीटर लगाए गए हैं। मेन चौराहों पर डिजिटल थर्मामीटर लगा है। इस शहर में ठंड इसलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि यह शहर आर्कटिक सर्कल के नजदीक है। अगर आप यह शहर घूमना चाहते हैं और आप एक वेजिटेरियन हैं, तो आपको खाने की समस्या होने वाली है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ खेती करना बहुत मुश्किल है, और गर्मियों में भी यहाँ बहुत कम खेती होती है। यहाँ के लोग खरगोश, रेंडियर, मछलियाँ और अंडे खाकर अपना पेट भरते हैं, और इस तरह का नॉनवेज खाना उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। यहाँ इतनी ठंड है कि यहाँ शिकार किए गए जानवर भी जम जाते हैं, और जिन्हें पकाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप रिस्क लेकर यहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ घूमने के दौरान हेल्थ से संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर कोई यहाँ जाना चाहता है तो बहुत सोच समझ कर ही प्लानिंग करे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस ठंडे शहर में जाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।